ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का पाठ्यक्रम जारी। लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के पदों पर भी पाठ्यक्रम किया जारी। उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य ज्ञान में मिलेंगे सबसे ज़्यादा अंक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468, लेखा परीक्षक के 529, सहायक लेखाकार का एक पद पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया। दोस्तों, परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंक सामान्य ज्ञान के रखे गए हैं। आयोग के परीक्षक नियंत्रक द्वारा पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, एक पाली की परीक्षा 2 घंटे की होगी। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास और उत्तर प्रदेश प्रक्षेप के 10 अंकों के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पंचायतों का वर्तमान स्वरूप के 10%, पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्ययोजना के 10, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय में के 5% होंगे। इसके अलावा ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रम के 20% होंगे। ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका के 10% होंगे। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा व नवाचार से संबंधित 15% होंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान के 20% होंगे। लेखा परीक्षक के 529 और सहायक लेखाकार के एक पद के लिए अंकेक्षण अंतिम खाता के 10, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत और प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी के 10, दोहरा लेखा प्रणाली व बैंक समाधान विवरण और वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी के 15, आरटीजीएस ई बैंकिंग बजट में नियंत्रण कंप्यूटर का प्रयोग से संबंधित 10, एडवांस अकाउंटेंसी 10, टैक्सेशन व अंकगणित के 10, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित 15% होंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान के 20% होंगे। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। गलत उत्तर पर नेगेटिव अंक कटेंगे।